हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नए तरीके से सीरीज ट्रस्ट लैंप बनाना सिखाऊंगा। इस सीरीज ट्रस्ट लैंप की खासियत ये रहेगी कि इस एक ही सॉकेट पर हमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही कनेक्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक तो लैंप का होल्डर लेना है, एक बोर्ड लेना है और एक टू वे स्विच लेना है हमें, और इस बोर्ड पर कटिंग कर लेनी है। इन दोनों इन तीनों के हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में आपको इसकी वायरिंग है वो डायग्राम से समझाऊंगा, उस प्रकार कनेक्शन करने हैं। तो पहले मैं इनको फिट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ किस प्रकार इसका कनेक्शन करना है हमें। तो सबसे पहले सप्लाई की वायर, फेज, और ये फेज हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, ये सॉकेट हो गया हमारा, ये सॉकेट है, और ये एक टू वे स्विच है। तीन पिन होगी इसके अंदर, टू वे स्विच के अंदर एक हमने ये एक बल्ब ले लेना है। इसकी दो वायर ये होगी। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल की वायर आ रही है वो इस डायरेक्ट सॉकेट पर देनी होगी हमें, और फेज की जो वायर है ये इनपुट सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ये इनपुट सप्लाई देनी पड़ेगी इसको। तो ये जो फेज की वायर है ये मैं एक तो यहाँ से इस लैंप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, और जो दूसरी बची है वो मैं यहाँ पर इस टू वे स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट बच गया है, फेज है ये और ये होता है न्यूट्रल, तो फेज वाला जो है वो मैंने इस टू वे स्विच की बीच वाली पिन पर कनेक्ट कर दिया है, और जो लैंप का एक सिरा बच गया है उसको मैं इस टू वे स्विच के जो बच गई है पिन उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार कनेक्शन करने हैं आपने। आपको मैं बता देता हूँ, ये स्विच अगर नीचे दबाया हुआ है, ये दोनों का कनेक्शन जब बनता है तो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमें सॉकेट पर पहले से मिल गया था, और जो फेज है वो सीधा होता हुआ यहाँ से इस सॉकेट इस टू वे स्विच के माध्यम से हमें इस सॉकेट पर मिल जाएगा। और जैसे इनका कनेक्शन कट जाता है और इन दोनों का कनेक्शन बनता है, तो न्यूट्रल पहले से मिल रहा था और जो फेज है वो ऐसे होते हुए इस लैंप के माध्यम से हमें मिलेगा, तो ये सीरीज हो जाएगी और वो पहले वाला पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इस प्रकार के कनेक्शन है वो बोर्ड पर कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी जो कनेक्शन है वो डायग्राम के हिसाब से कर लिए हैं। ये दोनों इनपुट की वायर हो गई, फेज और न्यूट्रल की, और ये है इसका न्यूट्रल जो मैंने डायरेक्ट है वो सॉकेट से जोड़ दिया है, और ये था फेज जो एक पॉइंट जो लैंप के पास एक पॉइंट है उसके पास मैंने एक सीधा जोड़ दिया है फेज को, और उसी पॉइंट से मैंने फेज उठाकर इस सॉकेट के इस जो बटन है बटन के मैंने एक पॉइंट पर दे दिया है, और जो इसका बीच वाला टू वे स्विच जो लगा हुआ है इसका बीच वाला पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया है सीधे ही सॉकेट से, और जो इस स्विच का एक पॉइंट बच गया है वो मैंने सीधे ही लैंप के साथ इस प्रकार कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा, जो फेज है वो सीधा डायरेक्ट लैंप को मिल जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। इस जो टू वे स्विच लगा है इसके एक पॉइंट नीचे वाले पर मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे इस यहाँ पर मुझे चाहिए पैरेलल सप्लाई और यहाँ पर चाहिए मुझे सीरीज सप्लाई, तो मैंने इसको नीचे वाली साइड पर लगा लिया है, कनेक्ट कर लिया है। और लैंप का जो एक सिरा बच जाता है वो मैंने जो ये टू वे स्विच का दूसरा पॉइंट बचता है बार वाली साइड वाला उस पर लगा दिया है, और बीच वाला पॉइंट है मैंने सॉकेट से डायरेक्ट जोड़ दिया है, और सॉकेट पर जो दूसरा पॉइंट बचा है उस पर मैंने डायरेक्ट है वो न्यूट्रल दे दिया है। तो ये बनकर हमारा तैयार हो गया है, और अब मैं इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक लैंप कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे डायरेक्ट मैं सप्लाई दे देता हूँ।
और अब इसे मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो जो सप्लाई के लिए जो वायर निकाली थी वो मैंने सीधे ही सप्लाई दे दी है उनको, और इस पर मैंने साथ में लिख भी लिया है कि ऊपर करने से सीरीज़ काम करेगी और नीचे पैरेलल सप्लाई हमें मिल जाएगी। तो पहले सीरीज़ के अंदर ये ऊपर वाली साइड बटन है, तो मैं इसको पहले सीरीज़ में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस प्रकार आपने भी कोई बना लेना है जिससे सीधा ही पैरेलल सप्लाई और सीरीज सप्लाई सीधी ले सकें। तो ये सीरीज़ है, सीरीज़ में कनेक्ट है, तो मैं इसको ये देखिए इस प्रकार सीरीज़ काम करेगी। और इस स्विच को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको पैरेलल सप्लाई है वो चला के दिखाता हूँ। तो इसको नीचे दबाने से अब ये पैरेलल में काम करेगा और हमें यहाँ पर टोटल है वो 250 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो मल्टीमीटर से मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये देखिए पूरी सप्लाई है हमें यहाँ पर मिल रही है। और जैसे इसको मैं इधर वाली साइड करूँगा तो ये सीरीज़ काम करेगी और नीचे पैरेलल सप्लाई काम करेगी। हाँ तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो, छोटी सी जानकारी, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको वीडियो है वो मैंने जो जानकारी दी है वो आपकी को कितने की समझ में आई है। और आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है जिससे मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो उसके अंदर मैं और भी ज़्यादा अच्छा समझा सकूँ। और इसी तरह की वीडियो है बनाते रहते हैं, रिपेयरिंग भी सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की। और अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद दोस्तों।